अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिही लजीन इस्तफा मबाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है खादिम मस्जिद का मकाम। आज अपने यहाँ मस्जिद के खादिम का कोई मकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, हम और आप उनकी इज्जत नहीं करते। आप देख लीजिए, जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली, हर आदमी अपने अपने हिसाब से कर रहा है। मुतवल्ली साहब हफ्ते में कभी आते हैं तो वो टॉयलेट में चले गए, वजू खाने में चले गए और जरा अपनी उंगली रखते हैं, अच्छा खादिम साहब इधर आ बोलते हैं, इधर आइए भी नहीं बोलते हैं। अच्छा खादिम साहब क्यों इधर आएंगे, आप क्यों नहीं जा सकते उनके पास, क्यों नहीं जा सकते? अपने आप को मुतवल्ली लिखते हैं, किसने कहा लिखने के लिए? अपने आप को खादिम लिखिए कि मैं मस्जिद का खादिम हूं। खादिमुल हरमैन शरीफैन, अभी मैं 2019 की बात कर रहा हूं, शाह सलमान जब अपने नाम के आगे लिखते हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन कि वो मक्का और मदीना की मस्जिद के खादिम है, तो क्या हम और आप नहीं लिख सकते? खादिम जो मस्जिद की खिदमत कर रहा है, देखभाल कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, हमने अपने घर का नौकर बना रखा है उनको। बहुत सारे मुतवल्ली साहब ने अपने घर का नौकर बना रखा है और खादिम साहब की बीवी को अपने घर की नौकरानी बना रखा है, अपने पोतों और नातियों के कपड़े साफ करने के लिए रखा है, अपने घरों की सफाई के लिए रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने खादिम साहब का खुद का मकान है, कितने मौजिन साहब का खुद का मकान है, कितने इमाम साहब का खुद का मकान है? यही इज्जत है, यही एहतराम है। आइए हदीस के अंदर देखें क्या मकाम है खादिम मस्जिद का। सही बुखारी किताब जनाइज किताब नंबर 23 हदीस नंबर 1337। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक काला आदमी या काली औरत मस्जिद की खिदमत कर रही थी, या वो आदमी खिदमत कर रहा था, इंतकाल हो गया उस आदमी का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, मा फ़ाल ज़ालिकल इंसान, अरे वो आदमी कहाँ है? तो लोगों ने कहा, मा तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो इंतकाल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, अफला आज़म तुमूनी, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने कहा, इन्नहु काना कज़ा व कज़ा फ़हक़रु शाना, बस हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया, उनकी शान को जरा हकीर जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फदुल्लूनी अला कब्र, मुझे उसकी कब्र दिखाओ, कहाँ है? फाता कब्र हो, उसकी कब्र के पास आया, फसल्ला अलैहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी। अब देखे कई दिनों के बाद पढ़ी तो पता ये चला कब्र के पास जाके जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। इससे पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के खादिम के कब्र के पास आकर जनाजे की नमाज पढ़कर उसकी शान बढ़ा दी। तो हम और आप उसकी शान को घटाना चाहते हैं, आपके घटाने से नहीं घटेगा। क्या मकाम और मर्तबा उनका काफी ऊंचा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में खादिम मस्जिद की मोहब्बत पैदा कर दे और उनकी इज्जत करने वाला बना दे। आमीन। नाज़रीन इकराम, और इस जैसे प्रोग्राम को देखने के लिए iPlus TV यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मुफीद मशवरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और iPlus TV की हेल्प करें, मदद करें, ताकि हम इस जैसे प्रोग्राम बना सकें। अल्लाह हमारी मदद फरमाए, आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। भाईचारा और ह्यूमैनिटी को आम करने में iPlus TV को सपोर्ट करें। डोनेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।